मेरी सास आपकी नौकर नहीं। शालिनी की डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने वाला है, तो उसके पति ने अपनी माँ से कहा, आप आ जाओ यहाँ सब संभाल लें। शालिनी का पति अंकित पुणे में जॉब करता है, इसलिए वो चाहता था कि बच्चे का जन्म वही हो तो अच्छा हो, सभी सुख सुविधाएं आसानी से शालिनी और उसके बच्चे को मिल पाएगी। अंकित ने अपनी माँ को उसकी सेवा के लिए कुछ दिन पहले बुला लिया और शालिनी की माँ भी बेटी की डिलीवरी के समय उसके पास आ गई, जिससे अपनी बेटी का पूरा ध्यान रख पाए। कुछ ही दिन बाद शालिनी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और 3 दिन बाद डिस्चार्ज होकर घर आ गई। अब इस वक्त शालिनी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी माँ की, क्योंकि बच्ची छोटी थी और उसको ऑपरेशन के बाद संभालते हुए बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन उसकी माँ घर के काम में ऐसा उलझी थी कि शालिनी की सुध भी नहीं ले पा रही थी। शालिनी जैसे ही धीरे धीरे चलकर किचन गई, उसने देखा उसकी माँ गरम गरम रोटी बनाकर उसके सास ससुर को खिला रही थी और उसकी सास टीवी देखते हुए खाना खा रही है। शालिनी को दुख हुआ कि मेरी माँ मेरे लिए यहाँ आई है और मेरी बच्ची के लिए, लेकिन यहाँ तो सासू माँ ने उन्हें अपना नौकर ही बना लिया है। शालिनी की सास उस समय न ही कोई काम करती थी और न ही उसकी माँ की कोई मदद करती थी और न ही शालिनी की कोई मदद करती थी। हाँ, अगर कोई शालिनी के बच्चे से मिलने आता था तो दादी होने का गर्व दिखाते हुए बच्ची को गोदी में लेकर बैठ जाती थी। आज सुबह जब शालिनी ने देखा उसकी माँ उसे सास ससुर के कपड़े धो रही है, तब शालिनी को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर अपनी माँ पर गुस्सा किया कि माँ, ये क्या तरीका है, आप क्यों करती हो ये सब, आपने खाना खाया या नहीं, किसी को मतलब नहीं, लेकिन आपको मेरी सास ने नौकर बना के रखा है। उसकी माँ ने शालिनी को डांटते हुए कहा, अरे बेटा तुम आराम करो, मैं कर लूँगी सब, क्या फ़र्क हुआ अगर उनका भी काम कर दिया, मैंने तो, जाओ जाकर सो जाओ, अभी गुड़िया सोई हुई है। अंकित को शालिनी ने सारी बात बताई, लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है, इसलिए उसने घर में कलह न हो ये सोचकर एक हफ्ते की छुट्टी ऑफिस से ले ली। सबसे पहले सुबह जब उसकी माँ ने शालिनी की माँ को आवाज़ दी कि जरा चाय ले आना, और चाय का प्याला लेते ही पोहा बनाने का हुक्म दिया, अंकित को शालिनी की बात पर यकीन होने लगा। ऐसे ही पूरा दिन हुक्म करते करते निकला कि सुनिए, आज मैं मेथी आलू और दाल रोटी खाऊंगी और शालिनी को आप दलिया बना देना, और मुझसे काम नहीं होता, मेरे कपड़े धो दीजिएगा। अंकित ने देखा शालिनी सुबह से एक कप चाय और 2 बिस्किट खाकर बस है, और शालिनी की माँ को कैसे उसकी माँ ने गुलाम बनाकर रखा है कि शालिनी और बच्ची पर कोई ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। अंकित का दिल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने तुरंत फैसला लिया कि माँ है मेरी तो क्या हुआ, मैं सच का साथ दूंगा बस, और पहुँच गया अपनी माँ के पास। माँ जी, आपका कल का टिकट बुक करा देता हूँ, आप अब चाहे तो वापस जा सकते हैं। माँ जी ये तो ये सुनते ही बौखला गई, बोली, अरे हम यहाँ मुफ्त का खाना थोड़ी खाने आए हैं, बहू की सेवा करने आए हैं, लेकिन माँ जब से शालिनी बच्ची के साथ घर आई है आपने किया ही क्या है ये बता दीजिए बस, आप तो दिन रात मेरी सासू माँ को नौकर बनाए हैं और आपके कारण शालिनी की माँ उस पर और बच्ची पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। अगर आपकी उम्र नहीं है काम करने की तो उसकी माँ की भी नहीं है काम करने की उम्र, आप उनकी जरा मदद नहीं करती और उन्हें दिन रात काम के ऑर्डर देती हैं, आपको आराम ही करना था तो आप यहाँ आती ही नहीं। माँ, मैं ये नहीं कहता कि आप काम करो, मैं इतना सक्षम हूँ कि 4 नौकर रख लूँगा, लेकिन आप किसी और की माँ के साथ भी गलत मत करो, वो अपनी बेटी के लिए यहाँ आई है, आप उसका गलत फायदा मत उठाओ। और माँ, मेरी दोनों बहनों की डिलीवरी में तो आपने दीदी लोगों की खूब सेवा की थी, फिर बहू के साथ ये व्यवहार क्यों, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी शालिनी को है, आपको शालिनी की चिंता नहीं जरा भी, और हाँ, मेरी सास आपकी नौकर नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सच का साथ देना भी मैंने आपसे और पिताजी से ही सीखा है और हमेशा सही का साथ दूंगा।
शालिनी ने आंसू भरी आंखों से गर्व से अंकित की ओर देखा और आज तो नन्ही बच्ची ने भी अंकित को ऐसे देखा मानो कह रही हो, पापा आई एम प्राउड ऑफ यू। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।